नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आज मैं विज्ञान कक्षा 9 का विज्ञान विषय का पहला अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ, जो है हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़िए, उसके बाद से जो है इस क्लास को देखिए। और बात कि यदि आप NCERT बोर्ड से हिंदी मीडियम में कक्षा 9 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। अपना बनाया हुआ नोट्स बहुत ही लाभदायक होता है। फिर भी मैं जो है PDF फॉर्म में नोट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप उस नोट्स को देख सकते हैं। लेकिन मेरा यही सुझाव है कि अपने से आप नोट्स बनाइए। तो प्रारंभ करते हैं क्या, कक्षा 9 का विज्ञान का पहला अध्याय जो है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे क्या, पदार्थ। पदार्थ है क्या, तो इस लेसन के अध्याय के नाम से ही स्पष्ट है कि पदार्थ के बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पानी हो गया, और भी बहुत सारी वस्तुओं को हम देखते हैं। ये सभी है क्या, तो पदार्थ है। पदार्थ की क्या परिभाषा है, तो पदार्थ है क्या, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और वह स्थान या आयतन घेरता हो, उसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी जो स्थान घेरता हो और उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, वही क्या है, पदार्थ। कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, वही क्या है, तो पदार्थ है, वही मैटर है। पदार्थ जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। सबसे पहले यह बात जो है महर्षि कणाद ने बताया था। किसने, तो महर्षि कणाद ने, उन्होंने जो है कहा था कि यदि एक पदार्थ का बड़ा टुकड़ा लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो कई खंडों में विभक्त हो जाता है। उसका एक खंड लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, तो वह उससे छोटे खंडों में विभक्त होता है। इस तरह से एक ऐसा समय आता है कि एक बहुत ही छोटा टुकड़ा प्राप्त होता है, जिसको कि खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, वही क्या है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। कुछ पदार्थ के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि किताब हो गया, पेन हो गया, तारे, सूर्य, हवा, पानी, ये सब है क्या, तो सब जो है पदार्थ है। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान होता हो, वही क्या है, पदार्थ है। अब जो है पदार्थ के कणों के गुणधर्म के बारे में जानेंगे क्या, तो पदार्थ के कणों के गुणधर्म, पदार्थ के कणों के क्या गुणधर्म होते हैं, तो यहाँ पे तीन मुख्य गुणधर्म हम देखेंगे क्या, तो पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान
होता है। पहला है क्या, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। और तीसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब इस गुणों को एक एक करके विस्तार में पढ़ेंगे। पदार्थ के कणों के गुणधर्म है क्या, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें का पहला गुणधर्म देखते हैं, क्या, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। एक आप गिलास लीजिए, एक आप गिलास लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और पानी का लेबल लगा लीजिए कितना उसमें पानी है। उसके बाद से आप जो है ऊपर से चम्मच या किसी अन्य वस्तु की सहायता से चीनी या नमक डालिए। ये क्या है, तो चीनी या नमक है, चीनी या नमक दो तीन चम्मच उसमें डालिए। क्या देखेंगे, तो ये जो पानी का लेवल है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और दूसरी बात कि चीनी या नमक हम डालते हैं तो क्या होगा, वह पानी में घुल जाएगा, पानी में जो है घुल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी की कणों के बीच रिक्त स्थान था और उसी रिक्त स्थान को चीनी या नमक के कण ग्रहण कर लिए, जिस कारण गिलास में पानी का लेवल उतना ही रहा और चीनी या नमक जो है पानी में क्या हो गया, मिल गया। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है क्या कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, चाहे कोई भी पदार्थ हो उनके कणों के मध्य जो है रिक्त स्थान होता है। अब जो है ये किस प्रकार के पदार्थ में रिक्त स्थान का क्या गुणधर्म होता है, तो सबसे पहली बात कि ठोसों के कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ठोसों के कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। यानी कि जितने भी ठोस पदार्थ होंगे उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होगा। उसके बाद से दूसरी बात कि द्रवों के कणों के मध्य रिक्त स्थान ठोसों से अधिक होता है, ठोसों से क्या होता है, तो अधिक, यानी कि द्रव में थोड़ा रिक्त स्थान बढ़ जाता है, कणों के मध्य रिक्त स्थान में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद से तीसरा क्या है, तो गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक,
अर्थात जो गैस के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान ठोस और द्रव की तुलना में सबसे अधिक होता है। तो ये सबसे पहला गुणधर्म है कि किसी भी वस्तु के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, चाहे वो वस्तु ठोस के रूप में हो, द्रव के रूप में हो या गैस के रूप में हो। अब दूसरा गुणधर्म देख लेते हैं। दूसरा गुणधर्म, दूसरा गुणधर्म देखते हैं। दूसरा क्या हमने बताया, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। इसके लिए भी हम एक प्रयोग करेंगे। एक गिलास लीजिए और उसमें जल ले लीजिए। क्या चीज़? तो जल। ये क्या है? जल। गिलास में जल भर लेना है और ड्रॉपर की सहायता से और ड्रॉपर की सहायता से उसमें लाल या नीले रंग की स्याही डालते हैं, लाल या नीले रंग की स्याही डालते हैं। हम क्या देखेंगे कि स्याही धीरे धीरे जो है पूरे ग्लास में दिखाई देने लगेगा, अर्थात पानी के जल को परिवर्तित कर देगा। कहने का मतलब, स्याही यदि नीले कलर का है तो पूरा जल नीला हो जाएगा, यदि लाल कलर का है तो पूरा जो जल है वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? यहाँ पे स्याही के जो कण है वो गति किए और पूरे ग्लास में भर गए। तो कहने का ये मतलब है कि जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। यदि तापमान बढ़ाया जाए, गर्म किया जाए, यदि पदार्थ को गर्म किया जाए तो इन कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब यह कि कणों में गतिज ऊर्जा होती है और गर्म करने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और कण और भी तेजी से गति करते रहते हैं। तो पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं। अब ये किस प्रकार की गति होगी आगे के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब हम जानते हैं क्या कि पदार्थ के कणों की गतिशीलता किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहली बात कि ठोसों के कण बहुत कम गतिशील होते हैं, कम गतिशील होते हैं। यानी कि ठोस के कण तेजी से गति नहीं करते हैं, उसमें गति बहुत ही कम होती है। उसके बाद से द्रवों के कणों की गति मध्यम होती है। मध्यम मतलब क्या? ठोस से अधिक लेकिन गैस से कम। उसके बाद से गैस के कणों की गति जो है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक मतलब क्या? गैस के कण जो है सबसे तेज गति करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो गुणधर्म बताया। एक क्या? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा अब हम जान लेते हैं क्या? तो तीसरा गुण, तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपने नल देखा होगा, पानी देने वाला नल। हम यहाँ पे उसका फिगर भी बना देते हैं। ये जो है एक नल है। यदि हम इसको खोलते हैं तो यहाँ से ये पानी बहुत तेज़ी से देता है। यदि हम यहाँ पर उंगली रख दे, अपनी हाथ की उंगली रख दे, तो क्या होगा, ये जो जल की धारा है दो भागों में बट जाएगी। लेकिन जैसे ये जल नीचे आएगा फिर से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जल की धारा को बांटना चाहा, लेकिन फिर से वे एक दूसरे से मिल गए। इसका मतलब क्या है कि जल के जो कण में आकर्षण शक्ति थी आपस में आकर्षित हुए और फिर से मिल करके एक साथ बहने लगे। तो कहने का मतलब है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी कि पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। अब किस प्रकार के पदार्थ के कणों में आकर्षण बल कितना होता है, आकर्षण बल, तो सबसे पहली बात कि ठोसों में जो आकर्षित करने की क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। यानी कि जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं सबसे अधिक आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। उसके बाद से द्रवों में जो है आकर्षण बल मध्यम होता है, और उसके बाद से जो है गैसों में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। गैसों में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। तो इससे हमें ये ज्ञात होता है कि ठोस सबसे अधिक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, द्रवों में आकर्षण बल जो है मध्यम होता है, और गैसों में सबसे कम होता है। अब हम जानेंगे क्या पदार्थ की अवस्थाएं, क्या चीज़, तो पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कि पदार्थ की क्या अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, वैसे तो पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती है। सबसे पहले ठोस अवस्था, उसके बाद से द्रव अवस्था, उसके बाद से गैस अवस्था। पदार्थ की मुख्य रूप से पांच अवस्थाएं होती है। उसके बाद से चौथा जो है प्लाज्मा, और पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो मुख्य रूप से पदार्थ की पांच अवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हमें तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन अवस्थाओं के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे साथ पढ़िए और नोट्स बनाइए, मैं भी आपके लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।